लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज तक तुमने जितनी आजादी मांगी मैंने तुम्हें दी। आज तक मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा है। टिंगी, अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। नहीं, आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम नहीं। डैडी, 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 प्लीज डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए ना, डैडी, प्लीज डैडी दरवाजा खोलिए, डैडी, प्लीज। तानू, तू जल्दी जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, रात को बहुत पानी भरता था ना, सनी बाबा स्टेशन पर गया होगा, वहीं रुक गया होगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। चल 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 चल। हे भगवान, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न जाने कहाँ गया होगा। ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, लड़की हाथ से निकली जा रही है। बाप निकलने नहीं देगा। लेकिन यशवंत, इस लड़की की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? सनी की बात कर रहे हैं आप? भूल जाइए उसे, ऐसी मार पड़ी है उसे कि जिंदगी भर रोमा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलोगी डेंगी, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा। नहीं डेंगी, आने दो। आओ सुरमा, आओ, तुम भी आओ, आओ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त इस घर से बाहर चले जाओ। जा रहा हूँ सरदार साहब, लेकिन अकेले नहीं। मैं भी सनी के साथ जा रही हूँ डैडी। मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत कीजिए सरदार साहब। बेवकूफ छोकरे, मैं चाहूं तो तुझे कीड़े की तरह मसल कर फेंक सकता हूं।
दिनेश सिंह ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को संभालो दिनेश सिंह, कोई बच्चों में बच्चा थोड़ी हो जाता है। चलो और सर कमर ऐसे प्लीज, तुम नीचे जाओ दिनेश सिंह, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ट्रस्ट मी मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। यशवंत सदा साहब को नीचे ले जाओ। आइए अंकल। तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। तुम मुझे इस तरह शक की नजर से क्यों देखते हो? मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूं, और फिर डेंगी टिंगी तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। मैं तुम दोनों के जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं, और जो मोहब्बत मैंने आज तुम दोनों में देखी है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे रास्ते की तमाम मुश्किलों को हल करने की कोशिश करूंगा, और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं। तो फिर हम क्या करें अंकल? तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा और मुझ पर भरोसा करना होगा। सनी, अगर तुम इस तरह इससे मिलने के लिए यहां आते रहे और ये इस तरह बार बार दिनेश सिंह की मर्जी के खिलाफ तुमसे मिलती रही, तो दिनेश सिंह को बार बार गुस्सा आता रहेगा और अच्छी खासी बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मिलना छोड़ दें, तो ये नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम अपने घर जाओ, दो तीन दिन इंतजार करो, तब तक मैं दिनेश सिंह को समझा लूंगा। ये सब बेकार बातें हैं डिंगी, तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो। सनी मेरा यकीन करो, मैं दिनेश सिंह के मिजाज को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। अगर वो किसी की बात मानेगा तो सिर्फ मेरी मानेगा, और फिर सिर्फ दो दिन की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सनी, सिर्फ दो दिन की तो बात है, शायद बलवंत अंकल डैडी को समझा सके। प्लीज सनी। अगर आपने हमारी मदद की, रोमा के डैडी को समझा लिया, तो हम दोनों जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। इसमें एहसान कैसा बेटे, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अब तुम जाओ, पूरे इत्मीनान के साथ अपने घर जाओ। मैं चलता हूं टिंगे। आज जो हुआ वो मैंने कैसे बर्दाश्त किया वो मैं ही जानता हूं बलवंत, लेकिन वो लड़का अगर आइंदा मुझे दिखाई दिया तो मेरी बंदूक होगी और उसका सीना। नहीं दिनेश सिंह नहीं, ये वक्त जोर से नहीं, उससे काम लेने का है। तो और क्या करूं मैं, चुपचाप अपनी इज्जत टूटने का तमाशा देखता रहूं? नहीं दिनेश सिंह, तुम्हें दो काम करने चाहिए, एक तो जितनी जल्दी हो सके रोमा की शादी कर दो, इसी में उसकी भलाई है, और दूसरे उस लड़के को रोमा की जिंदगी से दूर करने के लिए ये जरूरी है कि तुम उसके घर जाओ और साफ साफ बात कर लो। मैं क्या बात करूंगा? इतने बड़े बिजनेसमैन हो, उस कंगाल बेक मंगे वगैरह वगैरह से क्या बात करनी है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। नमस्ते सरदार साहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। अच्छा तो यहां रहते हो तुम? जी हाँ, बैठिए। सनी, आज मैं यहां ये सोचकर आया हूं कि कल जो हुआ उसका होना जरूरी नहीं था। मैंने भी दुनिया देखी है, तुम भी समझदार हो, आमने सामने बैठकर भी बात हो सकती है, है? जी हाँ, क्यों नहीं? सनी, मेरे पास पैसा तो बहुत है मगर बेटी एक ही है, इसलिए जाहिर है कि मैं अपनी बेटी का भला
और उसकी जिंदगी के सामने पैसे की परवाह नहीं करूंगा। और मेरी बेटी का भला इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों में बहकाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, ये मैं भी समझता हूँ और तुम भी समझते हो। और अगर तुम उसकी जिंदगी से दूर जा रहे हो तो उसकी कीमत में जरूर मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए भावताव नहीं करूंगा। ब्लैंक चेक है, जो कीमत समझो भर लो। सरदार साहब, मैंने आज से पहले इंसान बेचने और खरीदने का कारोबार नहीं किया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि आपकी बेटी की क्या कीमत होगी। इसका मतलब तुम्हें इनकार है? तुम अगर समझते कि तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगे तो एक मशवरा है, ये सोचना छोड़ दो। इस वक्त जो मैं सोच रहा हूं वो कोई और बात है, और वो बात मैं आपसे जरूर कहता अगर आप रोमा के पिता और मेरे होने वाले ससुर ना होते। सरदार दिनेश सिंह गिरजी साहब, आपकी जीप बाहर आपका इंतजार कर रही है। सुमित्रा देवी, सनी आपका इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे आपके लिए बहुत अफसोस होगा। सरदार साहब, मैं अगर आपके लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोला तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे धमकी मत समझिए सुमित्रा देवी, यह मेरा वादा है। डिंगी, तुम यहां क्या कर रही हो? डैडी, ये क्या है डैडी? खैर, जब तुमने देख ही लिया है तो सुन भी लो, ये तुम्हारी और यशवंत की शादी का कार्ड है। तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मरती मर जाऊंगी डैडी, लेकिन सनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम शादी यशवंत से ही करोगी? मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम ये घर छोड़ कर जाओगी लेकिन यशवंत से शादी करने के बाद। इस वक्त तुम अपने कमरे में जा रही हो। चलो राम, आज से शादी के दिन तक इसका खाना पीना इसी कमरे में होगा। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो, मगर मैं क्या करूं, छोटा आदमी हूं, नौकर हूं ना, इसलिए आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। चलो राम, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर कहिए बेबी साहब। चलो राम, मेरा सनी से मिलना बहुत जरूरी है। चलो राम, क्या तुम मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो? बेबी साहब, ये काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह हो जाएगा। जलाराम, डिंगी ने खाना खा लिया? यस सर, खा लिया।
देवी साहब चलिए चलिए निकलिए। देवी साहब मैं आपको बताऊं कि आप इस दरवाजे से नीचे चले जाइए और फिर पीछे के रास्ते से निकल जाइएगा। थैंक यू चिलराम। माँ जी बिंकी, माँ जी बिंकी रो क्यों रही हो, क्या हुआ बेटी? मैं आ गई हूँ माँ जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ। अपने डैडी की मर्जी के खिलाफ? वो तो सानी कौर मुझे जिंदगी भर के लिए अलग करना चाहते थे, वो तो मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे माँ जी। मैं घर से भाग कर आ गई हूँ, आप सानी की और मेरी शादी करा दीजिए। नहीं ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ जी? इसलिए कि तुम्हारे डैडी नहीं चाहते। वो क्या कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं बेटी, वो जिंदगी भर जीते हैं, उन्हें हारने की आदत नहीं। अगर तूने इस तरह सनी से शादी कर ली तो वो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे बेटी, उन्होंने मुझसे खुद कहा था। देखो बेटी तुम्हें जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास मेरे बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। एक विधवा बेसहारा औरत अपने बच्चे को कितने दुख से कितने जतन से पालती है ये तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वापस चली जाओ। नहीं माँ जी नहीं, मैं तुम्हारे पाँव बेटे भगवान के लिए तू यहां से चली जा, चली जा बेटे, सनी को भूल जा। माँ जी वो जुर्म जो बाप करता है अगर उसकी सजा बेटी को मिलती है तो ठीक है, आप चाहती हैं मैं सनी को भूल जाऊं ये वादा तो नहीं कर सकती, मगर इतनी कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि सनी मुझे भूल जाए, हमेशा के लिए भूल जाए। सनी बाबा डिंगी बेबी माँ जी से मिलने आई थी। अच्छा हाँ माँ डिंगी आई थी। हाँ क्या कह रही थी वो? ये चिट्ठी दे गई। सनी उस दिन भी मैं तुमसे कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी, अच्छा हुआ कि आज तुम नहीं मिले, जो कहना था वो लिखकर जा रही हूँ। बात यह है कि मेरे डैडी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वही करूंगी जो मेरे डैडी चाहेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे। रूमा हुआ बेटे? कुछ नहीं हुआ माँ, आग के बहुत पास चला गया था, आंखों में धुआं लग गया। कारगा ये कार्ड सनी के घर पहुंचा दो, बहुत अरमान था उसे रोमा से शादी करने का, बेचारे को रोमा की शादी में बुलाना तो चाहिए। क्या हालत बना रखी इस कमरे की, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं। माँ जी क्या बात है? कोई आदमी आया था ये आपके लिए दे गया है। क्या है? मालूम नहीं। क्या है माँ? कुछ नहीं। क्या है दिखाओ ना।
ये तो होना ही था मां, इसलिए कि ऐसा ही होता है। सनी, यहां आरजुएं सिर्फ मिटने के लिए बनती हैं, ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए देखे जाते हैं। वफा, मोहब्बत, जन्म मरण का साथ, ये सब किताबों में लिखी हुई कहानियां हैं मां, जिनका जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं। बेटे, मैं तुम्हारा ये गम देख नहीं सकती। आइंदा नहीं देखोगी मां, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिसका गम करूंगा मैं। अगर उसे अपने वादे की शर्म नहीं, अपने वचन का पास नहीं, तो कौन सी कयामत आ गई। मैं सोच लूंगा हवा का झोंका आया था और चला गया, सोच लूंगा डिंगी नाम की लड़की से कभी मिला ही नहीं था। मां तुम देख लेना, मैं उसे इस तरह भूल जाऊंगा जिस तरह वो मुझे भूल चुकी है। उसके आने से पहले भी तो मैं जिंदा था, फिर जी लूंगा। और कभी कभार उसकी याद आ भी गई तो क्या हुआ, कोई मर तो नहीं जाता। लेकिन इस तरह घुट घुट के कोई जी भी तो नहीं सकता। तुम कुछ कह लो, वो कुछ कह ले, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, न तुम उसके बिना जी सकते हो, न वो तुम्हारे बिना। तुम किसकी बात कर रही हो माँ, वो बेशरम, बेवफा। वो बेवफा नहीं है, उसे बेवफा मत कहो। माँ, क्या बात है माँ? वो यहाँ आई थी, अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए आई थी, मगर मैंने ही मजबूर करके उसे वापस भेज दिया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों किया? इसलिए कि सरदार साहब तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। इसका मतलब है डिंगी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर मजबूर होकर किया, और अगर आज तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताती तो मैं जिंदगी भर यही सोचता कि डिंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। बेटे, माँ की मोहब्बत एक पल के लिए खुद कर सो गई थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हारी दोषी डिंगी नहीं, मैं हूं बेटे, मुझे माफ कर दे सनी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं समझ सकता हूं तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारी खुदगर्जी नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार था। वो मेरे कहने से तुमसे दूर गई है बेटे, उसे जाकर वापस ले आओ। अगर उसे आज भी मेरा इंतजार है तो मैं अपनी जान हथेली पर लेके चला जाऊंगा माँ। लेकिन देर बहुत हो चुकी है बेटे, कहीं उसने हिम्मत हार तो नहीं दी, कहीं उसने इंतजार छोड़ तो नहीं दिया, बस इतना पता लगा ले। ये खत हर हालत में डिंगी तक पहुंच जाना चाहिए बुजो, ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जा। लाया बोतल आई ले ले। अब मंगल पता तुझे, ये शादी के बाद पूरी एस्टेट अपनी होगी। ये सब? हाँ, ये सब की सब अपनी होगी। हाँ, बलवंत साहब तो मालो माल हो जाएंगे और हम भी साथ में। हेलो डार्लिंग। डिंगी, मेरी जिंदगी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं डिंगी, तुम किसी भी कारण मुझसे दूर चली जाओ, ये जुल्म ना तुम मुझ पर कर सकती हो ना ही अपने आप पर, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी दोस्त कि तुम्हारी मजबूरियाँ मुझसे ज्यादा हैं। डिंगी, अगर तुम इन मजबूरियों से निकलने की हिम्मत आज भी अपने आप में पाती हो तो ये स्कार्फ जो हमारी मोहब्बत का साथी है, इसे अपने घर की छत पर सबसे ऊंची जगह बांध देना। कल सवेरे अगर दूर से मैंने अपनी मोहब्बत का परचम हवाओं में लहराते देखा तो मैं जान लूंगा कि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। मैं आऊंगा डिंगी, दिन दहाड़े टंके की चोट पर सबके सामने तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। कल सवेरे का सूरज हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए निकलेगा, उसे मायूस ना करना। तुम्हारा सनी। डिंगी, डिंगी,
विनय सिंह, ये चिट्ठी मुझे रोमा की टेबल पर मिली है, उसने तो पढ़ ली होगी। मैंने सोचा तुम भी जरा एक बार पढ़ लो। के दरवाजे के ताले की चाबी कहाँ है? ताला बंद, चाबी फेंक दी मैंने। ठीक है डिंगी, आने दो उसे, आज उस घर से वापस जिंदा नहीं जाएगा। सनी, यह हमारे देश की सदियों पुरानी रीत है। जब बेटा जान हथेली पर लेकर घर से निकलता है तो माँ उसे टीका लगाकर आशीर्वाद देती है। यहां से उसकी लाश ही बाहर जाएगी, निकलने के सारे रास्ते रोक लो। मंगल तुम उधर जाओ। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। होश में आओ डिंगी, होश में आओ। ये वक्त इस पागलपन का नहीं। सनी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है डिंगी। वो सब लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा ही करेंगे। कारगार उसके आदमियों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया है। बाहर लॉन पर दिनेश सिंह भरी बंदूक लिए सनी का रास्ता देख रहा है, और तुम कह रही हो ऐसा नहीं करेंगे। अंकल, सनी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है डिंगी। अगर तुम चाहो तो वो जिंदा रह सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ अंकल, आप बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम वही करोगी बेटी जो मैं तुम्हें कहूंगा। स्टॉप इट, आने दो उसे, इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, इसलिए मेरे ही हाथों होगी। यहाँ क्यों आए हो? मैं फैसले के लिए आया हूँ। कैसा फैसला? रोमा और मेरी जिंदगी का फैसला। रोमा की जिंदगी का फैसला हम कर चुके हैं, अब तुम्हारी मौत का फैसला बाकी है। नहीं सरदार साहब, आज सवाल ये नहीं है कि मैं मरता हूँ या जीता हूँ, सवाल ये है कि क्या हम दोनों शतरंज के बेजान मारे हैं, जिन्हें माँ बाप जिस खाने में चाहे रख दें, या हम भी आप ही की तरह जीते जागते इंसान हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्हें अपने आने वाले दिनों के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार है। मैं रोमा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, और आज यहाँ से जिंदा गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। दुनिया में लोगों को खुदकुशी करते सुना है, लेकिन मरने का इतना शौक किसी में नहीं देखा। मैं जानता हूं सरदार साहब, आप चाहें तो आपकी बंदूक एक पल में मेरा सीना छलनी कर सकती है, आपके ये पालतू कुत्ते आपके एक इशारे पर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जीत नहीं सकेंगे सरदार साहब,
इसलिए कि अगर मेरे जिस्म के हजार टुकड़े भी हो जाएं, हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, रोमा रोमा रोमा। इससे पहले कि तुम्हारी जुबान पर मेरी बेटी का नाम फिर से आ सके, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश किए देता हूं। ठहरो दिनेश सिंह, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे गोली से मार दिया जाता है। यह अपनी मौत खुद बनने वाला है, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? तुम यही चाहते हो ना कि रोमा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे? यूं ही सही। क्या कह रहे हो बलवंत? देखते जाओ दिनेश सिंह, देखते जाओ। रोमा, तुम्हारे एक तरफ तुम्हारे डैडी हैं, इनका लाड प्यार और ये ऐशो आराम की जिंदगी है, और दूसरी तरफ ये लड़का है जिसके पास मोहब्बत के दावे के सिवा कुछ नहीं है। तुम किस तरफ जाना चाहोगी, इसका फैसला हम तुमसे सुनना चाहते हैं। आउट इन केस सनी, ये सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर एक सच और भी है, और वो ये है कि दो चार दिन हंसना खेलना घूमना फिरना दूसरी बात, और सारी जिंदगी साथ गुजारना दूसरी बात। ये कोई बुराई नहीं कि तुम गरीब हो, मगर मैं जिस ऐशो आराम से पली हूँ शायद उसके बिना रह नहीं सकूंगी। वापिस चले जाओ सनी, यही तुम्हारे लिए अच्छा है और मेरे लिए भी। सुन लिया तुमने या कुछ और सुनना भी बाकी है? अब आप भी एक बात सुन लीजिए बलवंत अंकल, आपने जो कुछ कहा मैंने कह तो दिया, लेकिन वो सब झूठ था। रोमा, चिल्लाओ मत बलवंत, और सुनो, तुम्हारी कोई मक्कारी अब सनी को और मुझे एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। रोमा, बंदूक की एक गोली इस लड़के को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देगी। बंदूक चली तो एक नहीं दो गोलियां चलानी पड़ेंगी डैडी, अगर हम एक साथ जी नहीं सके तो एक साथ मर के तो दिखा देंगे। चलाइए गोली। मैं रोमा को लेके जा रहा हूं, हम लोग आज ही शादी कर लेंगे। मांगने को दिल तो चाहता है, मगर शायद हमारी किस्मत में आपका आशीर्वाद ही नहीं। चलो रोमा। यशवंत छोड़ दे। नहीं, जाने दो उन्हें। दिनेश सिंह, तुम उसे हार मान गए? हारा नहीं बलवंत, एक बाप अपनी बेटी से जीत ना सका। शट अप, मुझे क्या पता था कि हुकमबख्श लड़की अंदर तो हां कह देगी, लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल पलट जाए। आपको किसने कहा था ये सारी होशियारी दिखाने के लिए? जो रहा था ठीक हो रहा था। इन्हें सिंह सनी को गोली मार देता और खुद भी फांसी के फंदे पर चढ़ जाता। कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं। दिनेश सिंह अगर खून करके सलाखों के पीछे होता तो तुम समझते हो कि चार दिन के बाद रोमा तुमसे शादी कर लेती? नॉनसेंस। और फिर मैं ये नहीं चाहता था कि बात इतनी बढ़ जाए कि पुलिस तक पहुंच जाए। इसमें हमें भी तो खतरा था, हमारा राज खुल सकता है, हमारी हैसियत मालूम हो सकती। दिनेश सिंह की जायदाद 50-50 करने वाले थे। मुझे क्या कहते हो तुम? तुम भी तो कहते थे कि लड़की को चक्कर में ले लो, क्या कर लिया तुमने? खैर जो होना था सो हो गया, अब बताओ अब क्या करना है? मैं बताता हूँ अब तुम्हें क्या करना है। अमीने, मैंने सब कुछ सुन लिया है, और सीन के साथ मैं बताता हूँ कि तुम क्या करोगे। तुम अपना मुंह काला करके इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओगे। और हम सारे नहीं नहीं दिनेश सिंह, मेरा प्रोग्राम कुछ और है। दरअसल बात यह है कि जहां तक हो सके मैं बहुत नरमी से काम निकालने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन आप कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और तरीके वगैरह वगैरह आजमाने पड़ेंगे। यशवंत अब सुनो क्या करना है। दिनेश सिंह को कमरे में बंद करते हैं, कारगर उसके आदमी को साथ ले चलते हैं, जैसे भी उस लड़की को यहाँ वापस लाते हैं और इसी वक्त तुम्हारी शादी उससे कर दी जाए, समझे? ओके गुड। दिनेश सिंह हिलने की कोशिश मत करना वरना मजबूरन मुझे तुम्हें शूट करना पड़ेगा। चलो मैं कहता हूँ। पता नहीं ये दानू भी कहां मर गया है। कब आएगा कब जाएगा पंडित को बुलाने? मैं चला जाता हूँ। अरे तू जाएगा पंडित को बुलाने अपनी शादी के लिए? जमाना बदल गया है माँ, आजकल शादियाँ ऐसे ही होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी आना बेटे। बूझ जाओ क्या हो गया तुझे? ओफो तंग मत कर, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब बैठा रहे यहीं जब तक मैं वापस नहीं आता। शर्म नहीं आती तुझे? आज मेरी शादी होने वाली है और ये मुझ पर भौंक रहा है। क्या सोच रही हो माँ? हमारे जमाने में गुड़ियों की शादी में भी धूम होती थी और ये एक शादी है। माँ मतलब की बात तो ये है कि मैं आपके साथ रह सकूं, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। ये सब तो ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ।
तुम ठीक हो ना? I'm okay. चलो सनी, आज हम दोनों बच गए सनी। कौन कहता है कि तुम दोनों बच गए हैं? अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। मरने से पहले अगर तुम दोनों आपस में कुछ मोहब्बत भरी बातें वगैरह वगैरह करना चाहो तो कर लो, बस अगला पल तुम दोनों की मौत का है। और मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस आएगी तब आप उनसे भी मिल लीजिएगा। घर चले।